हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बच्चों के सूखे हुए लिप्स, चैप्ड लिप्स जिसे कह सकते हैं या फिर ड्राई लिप्स कह सकते हैं, वो क्यों होते हैं और इसका क्या जो है इलाज हो सकता है, क्या क्या हम इसमें रेमेडीज कर सकते हैं। अभी जैसे वेदर बिल्कुल चेंज हो गया है, एकदम से काफी गर्मी आ गई है, ह्यूमिडिटी लेवल भी इंक्रीज हो गया है, तो यही वो टाइम होता है जब बच्चों के लिप्स जो है सबसे ज्यादा ड्राई होते हैं। इवान के भी मैं 4-5 दिन से नोट कर रही हूँ, एक तो उसका टीथिंग प्रोसेस भी चल रहा है, उसके अलावा भी उसके लिप्स जो है इतने ड्राई हो गए हैं, बल्कि हल्के हल्के क्रैक भी आने लगे हैं। तो मैंने कल रात को भी उसके जो है कुछ रेमेडीज की थी, कुछ मतलब इलाज किए थे उसके, तो वो धीरे धीरे सही हो रहे हैं। लेकिन बच्चे के लिए बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि छोटा बेबी जो होता है, जैसे इवान अभी ज्यादा बता नहीं सकता, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, इतना उसको बोलना नहीं आता, तो उसके लिए बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस है यंग बेबीज के लिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें लिप्स इतने ड्राई क्यों लग रहे हैं। तो अब बात करते हैं, क्या चैप्ड लिप्स होना या ड्राई लिप्स होना क्या एक वरी की बात है, हमें चिंता करनी चाहिए? जो यंग बेबीज होते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो बता नहीं पाते, न्यूबॉर्न बेबीज भी नहीं बता पाएंगे कि हमारे लिप्स जो है वो ड्राई हो रहे हैं, हमें उससे प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों होता है ऐसा, बच्चों के लिप्स ड्राई क्यों होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है, वेदर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वेदर में, तो इस वजह से जो है लिप्स जो है ड्राई हो जाते हैं। उसके अलावा डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है, अगर बच्चे के अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसके लिप्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे। कुछ बच्चे जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने लिप्स को सक करते रहते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे वो खाते रहते हैं लिप्स को, तो उससे भी जो है लिप्स जो है ड्राई हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं, नाक से कम, उन बच्चों के भी लिप्स जो है काफी ड्राई रहते हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माउथ से सांस लेना कोई अच्छी बात नहीं है, हमेशा मुंह बंद होना चाहिए और नाक से ही बच्चे को सांस लेनी चाहिए। उसके अलावा रीजन हो सकता है कि बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, उसके अंदर प्रॉपर डाइट नहीं जा रही, या फिर कई बार ऐसा होता है कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है, इससे भी ड्राई लिप्स हो जाते हैं। तो ये है कुछ कारण जिससे बच्चे के लिप्स जो है ड्राई हो जाते हैं, जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली यंग बेबीज के लिए, क्योंकि वो कुछ इतना नहीं बता पाएंगे आपको। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है वो है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है उसके लिप्स सूख सकते हैं, क्या ब्रेस्ट फीडिंग से लिप्स ड्राई होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं होते। जो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, ब्रेस्ट मिल्क एक तरीके का अमृत होता है। जब इवान छोटा था, एक दो बार जब उसके ड्राई लिप्स हुए तो मेरी मदर इन लॉ ने यही कहा कि तुम इसको ब्रेस्ट मिल्क लगा दो, और मैजिक है ब्रेस्ट मिल्क में, मतलब उसके लिप्स जो है वो 2-4 घंटे में सही भी हो गए थे। तो ब्रेस्ट मिल्क करने वाले बच्चों को कभी भी जो है, ये बिल्कुल मिथ है, ब्रेस्ट मिल्क करने वाले बच्चों को कभी भी ड्राई लिप्स नहीं हो सकते ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। अब बात करेंगे, अगर बच्चे के लिप्स ड्राई हो गए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है जो बहुत फेमस है, पेट्रोलियम जेली, जो वेस्लिन आती है, वो बहुत अच्छी चीज है और बहुत जल्दी हील कर देती है, वो लगा दीजिए। घर के बनाए हुए नुस्खों में घी सबसे अच्छी चीज है, या फिर कोकोनट ऑयल लगा दीजिए। मैं तो मोस्टली घी लगाती हूँ, कल रात को भी मैंने इवान को, रात को जब वो सो गया उसके बाद घी लगा दिया था, और आज उसके लिप्स जो है वो काफी सही है। उसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क सबसे अच्छी चीज है, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो फिर आप उसको ब्रेस्ट मिल्क लगा सकते हैं, वो तो सबसे बेस्ट और नेचुरल तरीका है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बाकी हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि बच्चे के लिप्स जो है वो ड्राई ना हो, तो इसका सीधा सा सोल्यूशन है कि बच्चे को बाहर मत निकालिए। जैसे अब इस टाइम बहुत गर्मी है, तो गर्मियों में अगर निकालें बहुत ही जरूरी हो तो बहुत अच्छे से कपड़े पहना के निकालिए, कवर करके निकालिए, पानी ज्यादा पिलाइए। मैं इवान को मतलब हर एक घंटे में सिपर उसके हाथ में देती हूँ, 2 घूंट तो पी लेता है। और उसके अलावा टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए, घर में एसी वगैरह चला के रखिए, जैसे बच्चे को ज्यादा गर्मी ना लगे। तो ये कुछ सॉल्यूशंस के, अगर आपको चाहिए कि बच्चे के ड्राई लिप्स ना हो, तो ये होने से पहले ही आप प्रिवेंट कर सकते हैं इन मेथड से। तो ये थी वीडियो ड्राई लिप्स के बारे में। इस टाइम बच्चों के बहुत ड्राई लिप्स हो रहे हैं, बच्चों के क्या, मेरे भी इस टाइम जो होंठ है वो काफी ड्राई हो रहे हैं, तो मुझे लगा ये वीडियो आपके लिए लेके आनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और हो सके तो लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।